तो दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान आज ये मुकाबला खेला गया, जहां पर इस मुकाबले की फुल हाईलाइट हम आपके साथ जो है गाइस यहां पर शेयर करने वाले हैं, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले को जो है वो अपने नाम किया 5 विकेट से। बात की जाए अफगानिस्तान की इनिंग की तो अफगानिस्तान ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए हज़रतुल्ला जज़ई 7 रन बनाकर आउट हुए। गुलबाज की बात करें तो उन्होंने 10 रन की बल्लेबाजी की यहाँ पर। इनके अलावा यहाँ पर इब्राहिम जदरान ने 32 गेंद के ऊपर 32 बनाकर आउट हुए। उस्मान गनी की बात करें तो उन्होंने 30 गेंद के ऊपर 30 बनाए। इनके अलावा नजीबुल्लाह की बात करें तो 11 गेंद के ऊपर 13 रन की बल्लेबाजी उन्होंने की। नबी की बात करें तो वो 3 रन की बल्लेबाजी करते हुए आउट हुए। अजमतुल्ला ने 8 रन की बल्लेबाजी की आज किस मैच के अंदर। इनके अलावा राशिद खान 0 पर आउट हुए पहली गेंद के ऊपर। फाइन लेग के ऊपर इनका कैच जो है वो फील्डर ने पकड़ा और इसी के साथ यहाँ पर हैलिस ने इनके अलावा मुजीब की बात करें तो वो भी 0 रन बनाकर आउट हुए। फरीद अहमद 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। इसी के साथ फजल फरूकी जो है वो 2 गेंद के बाद 0 पर आउट हुए। बात की जाए टीम अफगानिस्तान की फॉलो विकेट्स की तो पहली विकेट 11 रन पर गिरी, दूसरी विकेट जो है वो 62 पर गिरी, तीसरी विकेट की बात करें तो वो 82 रन पर गिरे, चौथी विकेट की बात करें तो वो यहाँ पर 82 पर गिरी, 5 विकेट 91 पर गिरी। इनके अलावा छठी विकेट 109 एंड 7वीं विकेट 109 एंड 8वीं विकेट 110 एंड 9वीं विकेट 112 एंड फिर जो है वो यहाँ पर ऑल आउट हुए 112 रन बनाकर अफगानिस्तान की टीम 10 विकेट के नुकसान पर। उन्होंने 113 रन का टारगेट दिया। जहाँ पर इंग्लैंड की बात की जाए तो बेन स्टॉक्स ने 4 ओवर के अंदर 19 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। क्रिस वॉक्स की बात करें तो 4 ओवर के अंदर 24 रन देकर 1 विकेट। मार्क वुड की बात करें तो 4 ओवर के अंदर 23 रन देकर 2 विकेट। सेम करन की बात करें तो 3.4 गेंदे 10 रन देकर 5 विकेट। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन किस्म की बॉलिंग रही है सेम करन की जानब से, जहाँ पर 10 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए और आज के इस मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच भी करार पाए हैं। आदिल रशीद की बात करें तो 4 ओवर के अंदर 32 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। इंग्लैंड की इनिंग की बात की जाए तो पहले जोस बटलर एंड एलेक्स हिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, जहाँ पर जोस बटलर 18 रन बना आउट हुए। एलेक्स हिल 20 गेंद के ऊपर 19 रन की बल्लेबाजी करते आउट हुए। डेविड मालिन ने 30 गेंद के ऊपर 18 रन बना आउट हुए। बेन स्टॉक की बात करें तो 4 गेंद के ऊपर 2 रन बनाकर जो है वो यहाँ पर नबी की गेंद के ऊपर बोर्ड हुए। इनके अलावा बेन जो है लियाम लिविंगस्टन 29 रन पर नॉट आउट रहे। हैरी ब्रोक की बात करें तो 6 गेंद के ऊपर 7 रन की बल्लेबाजी की। राशिद खान की गेंद के शिकार हुए। मोइन अली जो वो नॉट आउट रहे 8 रन की बल्लेबाजी की। जहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट से अपने नाम किया इस मुकाबले को। इंग्लैंड की पहली विकेट 35 पर गिरी, दूसरी विकेट की बात करें तो 52 पर गिरी, तीसरी विकेट 65 पर गिरी, चौथी विकेट 81 पर गिरी एंड 5वीं विकेट 97 पर इंग्लैंड की टीम की जो है आज के इस मुकाबले के अंदर गिरी है। जहां पर बॉलिंग की बात की जाए तो फजल फारूकी ने 4 ओवर के अंदर 24 रन देकर 1 विकेट निकला। अजमतुल्ला उमरजाई ने 1.4 गेंद के ऊपर 11 रन देकर कोई विकेट नहीं। मुजीबुर रहमान ने 4 ओवर के अंदर 22 रन देकर 1 विकेट। राशिद खान ने 4 ओवर के अंदर 17 रन देकर 1 विकेट। फरीद अहमद मलिक की बात करें तो 2 ओवर के अंदर 23 रन देकर 1 विकेट एंड मोहम्मद नबी ने 3 ओवर के अंदर 16 रन देकर 1 विकेट जो वो अपने नाम की। जहाँ पर इंग्लैंड की हाथों अफगानिस्तान की टीम को 5 विकेट से जो है वो शिकस्त हुई है और इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जो है वो अपने